दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग के लिए दिल्ली के कुल 13,665 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बूथों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान के लिए बूथ पर ले जाने के लिए ट्राईसाइकिल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव में वोटरों के मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने के लिए अनुमति दी है और इस बाबत में आयोग ने आदेश भी जारी कर दिया है। और वहीं सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में लगे सुरक्षा कर्मी समेत कई इससे अवगत रहें, ताकि वोटरों में कोई असुविधा ना हो सके। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुराधा शर्मा राम मंदिर पहुंची और वहां पर राम मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और वहीं मतदान केंद्रों पर वोटरों की जो है दिलचस्पी वो भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें मतदान केंद्रों में लगातार सुबह से ही मतदाता लंबी लंबी कतारों में जुटे हुए हैं और आज तय होगा एमसीडी में कौन बनेगा राजा। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 3,665 बूथ बनाए गए हैं और वहीं 250 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 1,349 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं और उम्मीदवारों की जो टक्कर है बीजेपी कांग्रेस और आम आपकी टक्कर करारी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। एमसीडी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कसी थी, इसके बाद आज मतदान किया जा रहा है। हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी का और मैं इसीलिए श्री राम का नारा लेने आई हूँ। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जनता जो है पूरा अपना आशीर्वाद और समर्थन हमें देगी। इस बार क्या उम्मीद है मैम और क्या लगता है कि अगर जीतती हैं तो कौन कौन से इश्यूज हैं? मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता जो है पिछले पूर्व पार्षद के काम से जो है काफ़ी असंतुष्ट है, इसलिए वो भाजपा के साथ जुड़ेगी और अपना पूरा समर्थन भाजपा को देगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है इस बार एमसीडी में आने का। आम आदमी पार्टी तो बहुत से चुनाव दोबारा से आम आदमी पार्टी शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, लेकिन बीजेपी ने एमसीडी में कूड़े के पहाड़ दिए। आम आदमी पार्टी केवल बातें ही बातें करती है, कोई भी जो उनके वादे हैं एक भी पूरा नहीं हुआ है। ना कोई नया स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसीलिए उन वजहों से है जो असंतुष्ट है उनसे, इसीलिए मैं आपको निगम के लिए आज मतदान जो केंद्र है वहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया। एमसीडी चुनाव के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, एमसीडी में आज मतदान किया जा रहा है और सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह जो देखने को मिल रहा है, तो अभी की वहां पर क्या स्थिति है? देखिए यहाँ पर बात करें तीनों नगर निगमों के लिए कहीं ना कहीं पहले तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया था, उसके बाद में अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। वोटिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। हम इस टाइम सदर बाजार विधानसभा के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर भी निगम पार्षद की बात करें तो निगम पार्षद के लिए कहीं ना कहीं चुनाव किए जा रहे हैं। जनता जो है वो वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पोलिंग बूथ की, तो यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, स्कूल है और स्कूल के अंदर अब वोटिंग डाली जाएगी। लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो वोट डालने के लिए अब कहीं ना कहीं पोलिंग बूथों पर आती नजर आ रही है। टक्कर की बात करें तो आम आदमी पार्टी और भाजपा की कड़ी टक्कर मानी जा रही है, मगर कांग्रेस की कहीं ना कहीं दौड़ से कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। जी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही, तो राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, तो क्या उनको चुनाव से कोई मतलब नहीं है?
देखिए यहाँ पर बात करें भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी के द्वारा जो चलाई जा रही है उससे लेकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और जो दूरियां हैं वो कम की जाए। मगर यहाँ पर पोलिंग बूथों की बात करें तो यहाँ पर अभी सुबह का समय है, लगभग 8 बजे के बाद यानी 8:30 बजे का लगभग समय हो चुका है और लगभग जनता जो है वो पोलिंग बूथ पर अब निकलना शुरू करेगी, क्योंकि रविवार का दिन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आराम से ही लोग निकलना पसंद करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें वोटिंग की तो वोटिंग पहले करने के बाद ही किसी और काम के लिए जाना पसंद करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी में से शायद किसी को निगम पार्षद चुन सकती है। जी जी जिस तरीके से दिल्ली में कूड़े की पहाड़ की पॉलिटिक्स चल रही है और वही देखे जाए मेली यमुना के लिए, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है, तो रुझान जो है जनता का किसकी ओर दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता किसको चुन के लेके आएगी? हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आ चुके हैं, जो क्या अपनी उम्मीद दिखाएंगे आप लोग? देखिए इनकी उंगली है यानी कि इन पर स्याही लग चुकी है और इन्हें वोट जो है वो डाल दिया। क्या आपसे जानना चाहूंगा कि वोट किसको डाला है? ये तो अंदर ही तय होता है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की और आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, क्या कांग्रेस भी दौड़ में है? क्या कांग्रेस दौड़ में? बिल्कुल दौड़ में नहीं है, बिल्कुल भी दौड़ में नहीं है। और बीजेपी और आप बराबर चल रहा है, इसमें दौड़ा ही नहीं। अच्छा क्या लगता है जो कूड़े को लेकर लगातार राजनीति की जा रही थी कि कूड़े के भाजपा कह रही है कि हम खत्म करेंगे और आम आदमी पार्टी कहती है कि जी हम खत्म करेंगे, मगर यहाँ पे कूड़े को लेकर जो राजनीति है क्या वो सही है? नहीं, मेरी बात सुनिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एमसीडी में बीजेपी है, एमसीडी सब उसका मेन काम है, 15 साल काम करते हो गया, उसको काम करना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली गवर्नमेंट में है मानते हैं, लेकिन एमसीडी काम है, वो स्टेट काम है बीजेपी का, उनको इनको करनी चाहिए बजाय। अच्छा आपसे जानना चाहूंगा कि आप महिला है तो क्या देखते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, महिला जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए सुविधा होनी चाहिए? सुविधा तो होनी चाहिए, सफाइयां भी होनी चाहिए। अभी तक तो सफाई है नहीं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, पुरानी दिल्ली चाहे में तो बहुत ही ज्यादा कूड़ा रहता है, तो इसीलिए हमने तो आम बार कर आए हैं। अच्छा आप लोगों के लिए बात करें तो मुद्दे क्या है आप लोगों के नगर में? हमारे तो ये सफाई मेरी लेडीज सुरक्षा, लेडीज के काम कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अच्छा क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या भाजपा दोनों जो कूड़े के लिए राजनीति कर रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि कूड़े को ढेरों को जो खत्म कर देंगे, क्या लगता है कि निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा में आती है तो कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे? मेरे मानने मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल करना चाहिए इनको, ये देश जनतंत्र है, करेंगे लोग काम देश के लिए, ऐसी बात नहीं। कोई भी आए पार्टी, मेरा मतलब है काम किया, जो बोला वो सारा काम किया होना अभी तक, जो भी बोला पहले, अब जो बोल रहे हैं तो जरूर करेंगे, क्योंकि 15 साल से बीजेपी है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, पुरानी दिल्ली 6 में तो नहीं हुआ। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं किस पार्टी की तरफ है, ये तो उनके वोट से ही पता लग पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें वोटिंग की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट कर दी गई है और जनता कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों ऐसे हैं जिनको देखकर ही वोटिंग जो है वो की जा रही है। जी जी जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपनी भरचक प्रयास करने में जुटी हुई थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लगातार प्रचार अभियान का दौर जारी था, वो कोई भी मुद्दा ले ले दोनों ही पार्टी की टक्कर जो है वो करारी देखने को मिली। अब जो रुझान है जनता का आपने अभी सुनाया कुछ देर पहले, और उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि बीजेपी को एमसीडी में रहना चाहिए, तो इससे क्या साबित होता है कि एमसीडी में जो रुझान है वो बीजेपी का पड़ला भारी दिखाई दे रहा है? देखिए यही चीज का सवाल जो है यानी कि भाजपा निगम के अंदर आएगी, क्योंकि पहले 15 साल निगम के अंदर रही है और चौथी बार भी दावाने का दावा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें 2017 के अंदर भी निगम के चुनाव के लिए प्रयास कर चुकी है, मगर निगम के अंदर बहुमत के साथ नहीं आ पाई थी। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, क्या सर ये बताइए जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा आएगी, क्या लगता है कि 15 साल तक निगम के अंदर रहने के बाद में कोई कार्य किए उन्होंने? काम की बात करते हुए हम लोग जाते हैं, जब से इस पर्टिकुलर आज सदर बाजार में इतने व्यापारी बैठे हैं, पटरियों पर बैठे हैं, दुकानदारों के आप यहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकते हो बिना टिश्यू टच किए, बिना जेब कटे हुए, पूरा बुरा हाल इस एरिया में, कोई इसमें हमारे हिसाब से ऐसे काम नहीं हुए जो आदमी इजिली मूव कर। हाँ जी वोट भैया वोट डाल दिया आपने? आप आ गई। अच्छा अपनी आप अपना उंगली दिखाइए जिससे आपने शायद लगाई हुई है, वोट डाल दिया यानी। अच्छा ये बताइए क्या लगता है कि भाजपा या आम आदमी पार्टी में से कौन आएगा, क्योंकि कांग्रेस तो दौड़ में अभी नजर नहीं आ रही। ये आपका आपकी विचार है, मगर ना भाजपा आ रही है और ना आम आदमी पार्टी आ रही है। यहाँ पे क्षेत्र की रहने वाली, क्षेत्र की ही जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की, मनीषा शर्मा, वो आ रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, घर घर जाकर लोग बता रहे हैं कि इस बार मनीषा शर्मा को लाना है, क्योंकि बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया, वहां एमएलए साहब है आम आदमी पार्टी के,
वो इलाके में आते ही नहीं, उनकी कोई शक्ल ही नहीं जानता कौन है। और 15 साल से जो बीजेपी की शासन है एमसीडी में, गली गली में गड्ढे हैं, आप यहाँ भी खड़े हुए देख लो कितने गड्ढे हैं। तो बहुत परेशान है जनता। देखिए कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे जरूर है, मगर जनता किसको चुनकर लेके आएगी या तो समय ही बता पाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से वो जनता जो है वोटिंग कर रही है, उससे उनके बीच में कुछ मुद्दे हैं, जो कूड़े को लेकर बात करें, सफाई कर्मचारी की परेशानियों को लेकर बात करें, वो मुद्दे जरूर जनता के बीच में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि सदर बाजार मार्केट की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, भीड़ देखने को मिलती है। वही उसके लिए कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद आएगा वो उनके लिए कितना काम करेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।